चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा आज आपके साथ अगेन मैं एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई के पेपर में आ चुका है बोर्ड के अंदर। पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी एक्टिविटीज बताई थी, आज की क्लास में हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स इन द सेंस, जैसे एक बार क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं। सर बैलेंस शीट दी हुई है आपको। बैलेंस शीट में अगेन वही दो बातें, 2012 2013। इट मीन सर ये है आपकी प्रीवियस ईयर और ये है आपकी करंट ईयर। बैलेंस शीट के बाद सिर्फ एक ही दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नोट नंबर 1। इट मीन्स हमें इस नोट के लिए नीचे जाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट नंबर 1 में दो दिए हुए हैं, एक दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स और एक दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और सबसे लास्ट में आपके पास है एडजस्टमेंट्स। तो बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और एडजस्टमेंट्स। रिवर्स का मतलब आज पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे सर ये चीजें कहाँ जाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर एडजस्टमेंट किसके ऊपर है। एडजस्टमेंट है हमारी बिल्डिंग के ऊपर। तो फटाफट देखते हैं बिल्डिंग कहाँ लिखी हुई है। टेंजिबल असेट्स बिल्डिंग बैलेंस शीट में भी है सर और नीचे एडजस्टमेंट में भी है। इसका मतलब इसका क्या बनेगा, लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लेजर अकाउंट बना लेते हैं। चेक कर लेना, ओपनिंग बैलेंस 6 लाख है और क्लोजिंग दोनों 6 लाख दिए हुए हैं। अब जरा हम आते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर है 25 सीबीएसई का, और आज की डेट क्या है। बच्चे कह रहे हैं सर कोइंसिडेंस है, आज की डेट भी 25 है, क्या बात है। हाँ जी, और इसके अंदर सबसे पहले मैं आप बच्चों के साथ बनाऊंगा बिल्डिंग अकाउंट। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं बिल्डिंग अकाउंट। फटाफट अब आप सारे बच्चे एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले सर यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है ओपनिंग बैलेंस। कशिश रुचल ने आंसर निकाल भी दिया। सर यहाँ आता है बाई बैलेंस सीडी। चलो अच्छा, मुझे आप सारे बच्चे बताओ, कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया, कह रहे हैं कि सर हमने निकाल दिया है, आप भी जरा स्पीड से करो। चलो फिर मैं भी समझाने का पार्ट बाद में करूंगा, मैं भी जरा स्पीड से कर देता हूँ। सर ये है 6 लाख और सर ये भी दिया हुआ है 6 लाख। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है बिल्ड ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वॉज परचेज। जब बिल्डिंग परचेज करते हैं तो यहाँ पे आता है टू बैंक 75,000, ये है आपकी परचेज। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 5,000, 5,000 का लॉस हुआ है। लॉस आता था सर यहाँ पे, यहाँ लिखते थे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और बस नॉलेज के लिए लिख देता हूँ लॉस। कितने का लॉस हुआ था, 5,000। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है बिल्डिंग पे 12,000, तो डेप्रिसिएशन आता था सर ऊपर टॉप पे, बाय डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी है, 12,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल कर लेते हैं सर, यहाँ पे टोटल आ रहा है 6,75,000। 6,75 में से अगर हम ये माइनस करते हैं तो जो भी डिफरेंस आएगा बेटा, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी हमारी सेल। हम इस तरह से असेट अकाउंट बनाते थे। सर कितना आएगा, 6 में 75 में से कितना बचा, जल्दी से बताएंगे कितना डिफरेंस बचा। बेटा सेल बताएं कितना बचा सेल। नेहा कह रही है सर 58,000।
70 में से बेटा था दाक्षी आस्था, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं कि सर 58,000 की क्या बच रही है सेल। इतनी बात तो समझ आ गई। अब हम देखते हैं सर ये कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में जाता है। अगर आपको याद हो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, ये वाली सारी आइटम प्लस होती हैं, ये वाली सारी आइटम माइनस होती हैं। जहां जहां बैंक लिखा है असेट कहाँ जाती है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या होगा माइनस। सर यहाँ भी तो बैंक लिखा है, यस, ये भी कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग में, बट ये क्या होगा प्लस, क्योंकि सर ये क्या है सेल है। फिर सर जो P&L की आइटम होती है, बेटा P&L की आइटम हमेशा कहाँ जाती है ऑपरेटिंग। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन भी P&L की आइटम है, और P&L की आइटम कहाँ जाती है ऑपरेटिंग के अंदर। तो मैंने सब कुछ कहीं ना कहीं डाल दिया। बैलेंसेस, बच्चा पूछ रहा है बैलेंसेस कहीं आते हैं, तो बच्चों बैलेंसेस कहीं नहीं आते। तो अकाउंट बनाने का मोटिव हमारा क्लियर हो गया, रिवर्स चल रहे थे, अब आसान आसान काम करेंगे। आ जाओ जरा मेरे साथ। अब जरा बेटा बस अब आपने मेरी हेल्प करनी है, कौन सी चीज कहाँ जाती है, स्टार्ट हो जाते हैं जरा। शेयर कैपिटल, बेटा डायमंड रूल्स, शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा जल्दी बताएंगे। डायमंड रूल, बेटा मैं वेट कर रहा हूँ आप सब बच्चों का। ज्योति कह रही है ऑपरेटिंग। बेटा शेयर कैपिटल कहाँ जाता है, रिचा, ये सारे बच्चे आस्था। बेटा शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाता है, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चे सही बता रहे हैं कि सर फाइनेंसिंग में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है, बेटा मेरे साथ साथ रिवाइज करो। हाँ ऑपरेटिंग में जाता है, वेरी गुड। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 12% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ जाती है, फाइनेंसिंग में जाती है। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं, क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग में जाते हैं। हाँ मुझे याद है, आप सब बच्चों ने भी याद करना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहाँ जाते हैं ऑपरेटिंग, नोट नंबर 1 में देख लेंगे। फिर आता है नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स जाता है इन्वेस्टिंग। इनटेंजिबल असेट्स, पेटेंट्स। बेटा कुछ अच्छी अच्छी बातें भी मिलेंगी इसके अंदर, अभी देखते जाओ जरा ध्यान से, कुछ बातें हम सीखेंगे। मैंने पेटेंट्स को अभी छोड़ दिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है इन्वेस्टिंग। स्टॉक, इन्वेंट्री कहाँ जाती है ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ जाते हैं ऑपरेटिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं आता, ये बिल्कुल लास्ट में जाता है। मैंने कुछ बातें छोड़ दी हैं, उन बातों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी सर इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे लगता है, मैं रेड पेन से बॉक्स बना देता हूँ, ये एक ऐसी बात है जो आपको सीखने को मिलेगी। एक सर ये सीखने को मिलेगा कि सर ये 12% डिबेंचर क्या होते हैं। दो बातें आपके लिए सीखने के लिए हैं आज की क्लास में। एक सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्या इसमें भी कुछ नया है। तो ये कुछ बातें हम आपके साथ सीखेंगे आज की क्लास में, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अच्छा बेटा OA फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग को याद करने का कोई शॉर्टकट तरीका, बच्चे पूछ रहे हैं सर कोई तरीका हो तो बताना। बेटा मैंने बैलेंस शीट बताई थी, फिर अगर कोई तरीका होगा मैं जरूर ढूंढ के आपको बताऊंगा कि सर कैसे याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं जरा अपने फॉर्मेट पे। फॉर्मेट आपके सामने ये दिया हुआ है, ये आ गया सर फॉर्मेट, जो हमारा फॉर्मेट होता है पूरा। फॉर्मेट तो दोस्तों आपने याद करना ही है, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। फर्स्ट पार्ट आता है ऑपरेटिंग, फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग, उसके बाद इसी के पीछे, इसके पीछे बना देते हैं हम। मैंने पहले बना दिया बी पार्ट, बी पार्ट में मैंने क्या लिख दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में मैंने क्या लिख दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा तीन बातों को छोड़कर बाकी मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तीन बातें जब आएंगी तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो जब वो तीन बातें आएंगी तब आप ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था। ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश, अगर हम देखें ध्यान से, सबसे पहले तो आप कैश को ही खत्म करो। ओपनिंग में था आपके पास 20,000 और क्लोजिंग में है 85,000। तो मैं सबसे पहले तो यही लिख देता हूँ, मेरे पास ओपनिंग में कैश था 20,000 और क्लोजिंग में वो कितना हो गया, 85,000। बेटा 20,000 से 85,000 हो गया। क्या आप सब बच्चे मुझे बता सकते हो मैंने इस साल कितना कमाया? बेटा कितना कमाया? फटाफट, नेहा ने बता दिया है, ज्योति, ऋचा, खुशी, लकी, कितना कमाया? बच्चे कह रहे हैं सर तीनों एक्टिविटीज को प्लस करके आपने कुल मिला के, वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर सही बताया, 65,000 कमाया है। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सी चीज कहाँ जाती है। बेटा एक एक करके पोस्ट करूंगा, आप रेडी रहना, नोटिंग करना नहीं है आपने, बस समझना है जल्दी जल्दी। हाँ जी, मेघा का भी आंसर, अनुष्का का आंसर, आ जाओ जरा। फर्स्ट, सबसे पहले मुझे मुझे मिला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जाता है सर फाइनेंसिंग में। सर पहले थे 4 लाख, अब हो गए 6 लाख। लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मैंने यहां लिखा इश्यू ऑफ शेयर्स। सर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम भी क्या करते हैं, हम भी बढ़ा देते हैं, हमने भी प्लस कर दिया। एक एक करके हम डालते जाएंगे। फिर लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जाता है ऑपरेटिंग। 1 लाख से 2 लाख हो गया, अगेन लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्लस, तो ऑपरेटिंग में आएगा। आ जाओ जरा, ये रहा बेटा फॉर्मेट आपके सामने ही रखा हुआ है। यहाँ पे ऑपरेटिंग के अंदर सबसे पहले ही आता है सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और कितना बढ़ रहा है, प्लस आ रहा है ये 1 लाख। बस बेटा फॉर्मेट बार बार बनाओगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में जाता है। सर 2 लाख से 1 लाख कम हो गया। बेटा अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, माइनस, तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा। आ जाओ, मैंने फाइनेंसिंग में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मैं सर एक नया वर्ड लिखने जा रहा हूं जो अभी शायद आप बच्चों को समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझ आएगा। मैंने यहां लिखा रिडम्पशन ऑफ, क्योंकि अभी मैंने आपको डिबेंचर्स नहीं कराया है इसलिए आपको ये वर्ड का मतलब नहीं पता। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना, पैसे वापस करना। हल्का सा हिंट दिया है, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस करना। 2 लाख से 1 लाख हो गया तो कितना पैसा आपने वापस कर दिया, आपने 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस था वो क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो लैंग्वेज लिखी है मैंने रिडम्पशन। अच्छा आगे चलते हैं। सर इसलिए आप बोल रहे थे रेड पेन है तो ध्यान देना। बेटा इसलिए नहीं बोला था मैंने, अभी रेड पेन का यूज आएगा, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग के अंदर। तो 60 से 45 लायबिलिटी फिर कम हो गई, माइनस। बेटा हमें कैसे पता चलेगा ये कम हो रहे हैं, कम होते हैं तो रिडम्पशन लिखते हैं डिबेंचर्स में। अभी डिबेंचर्स कराऊंगा तब आप बच्चों को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टेंशन मत लो, डिबेंचर्स कम होने का मतलब ही रिडम्पशन होता है। हाँ जी, ट्रेड क्रेडिटर्स भी कम हो गए 15,000 से। ट्रेड क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं, ये रहे, ऑपरेटिंग। ज्यादा होते हैं डिबेंचर्स तो इश्यू लिखते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल वर्किंग चेंजेस, तो यहाँ पे आ गया माइनस।
क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, छोटा छोटा लिख दिया मैंने, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स। और वो कितने थे जरा एक बार देखें, 60 से 45, 15,000 थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,000, ये हमने लिख दिया 15,000। और आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का सर नोट नंबर वन है, इस तो छोड़ देते हैं, अभी मैंने सिर्फ नोट नंबर वन नहीं कराया आपको, और आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते जो अभी तक मैंने क्या छोड़ा है, मैंने बस एक नोट नंबर वन छोड़ा है। फिक्स असेट्स में सर बिल्डिंग लिखी है, आप कह रहे हो बिल्डिंग इन्वेस्टिंग में जाती है, मगर सर बिल्डिंग के लिए तो हमने लेजर अकाउंट बनाया है, तो इसको आप कहां से देखोगे, लेजर से देखोगे। बेटा लेजर पे चलते हैं जरा आराम से, ये रहा लेजर, यहां से जो जो चीजें मिले आप बस डालते जाओ। सबसे पहले चलते हैं हम डेप्रिसिएशन, 12,000। देखो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ आती है, ये रही, तो मैंने यहाँ डाल दिया डेप्रिसिएशन 12,000, बेटा प्लस कर दिया मैंने, ध्यान से देख सकते हो, तो डेप्रिसिएशन खत्म। सर लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल, तो लॉस ऑन सेल भी इधर ही आता है, ये भी ऑपरेटिंग में आता है, लॉस ऑन सेल कितना है, 5,000। उसके बाद सर क्या है, सेल, सेल कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग में, तो मैंने पेज टर्न करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस सेल ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूँ बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल करी, कितने की सेल करी है, 58,000, ये भी खत्म हो गया। अब सर इधर क्या बचा, परचेस, परचेस क्या होता है इन्वेस्टिंग में, माइनस, माइनस कर देते हैं, जो जो लेजर अकाउंट बनाया था उससे जो जो चीजें मिल रही हैं आपको, सारी की सारी चीजें यहाँ डाल दो, 75,000, और ब्रैकेट लगा दिया। बेटा बिल्डिंग की कहानी खत्म, बिल्डिंग की कहानी खत्म। अब आओ आप नेक्स्ट, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स लिखे हैं पेटेंट्स। बेटा याद करो, चलो मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, ये जो रेड पेन है पेटेंट्स, 50 से 45 हो गया, आप सब बच्चों का एक टेस्ट है, जल्दी बताओ ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, बस इतना बता दो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। निकिता कहती है ऑपरेटिंग में, दाक्षी ऑपरेटिंग में, कशिश रुचल ऑपरेटिंग में, रिचा अमोर्टाइजेशन, वेरी गुड दाक्षी, ज्योति इन्वेस्टिंग में, बेटा ज्योति हल्की सी मिस्टेक हो गई, नेहा भी ऑपरेटिंग में, बेटा ये पेटेंट्स, विमन्यु कह रहा है फाइनेंसिंग में, बेटा विमन्यु असेट्स फाइनेंसिंग में नहीं जाते हैं, कशिश मेघा भी ऑपरेटिंग में, राहुल, राहुल इन्वेस्टिंग में बता रहा है, खुशी, बेटा आपको याद करो मैंने इसके बारे में देखो डिस्कशन किया था, इसलिए ये पॉइंट आया है, सुनना जरा ध्यान से, ये देखो मैंने आपको बताया था कोई भी असेट्स होती हैं, जैसे हमारी क्वेश्चन में कोई भी असेट हो, जैसे पेटेंट्स है, आराम से समझो सर, यही तो बातें आपको प्रॉब्लम करेंगी। डायमंड रूल याद रखो, अगर असेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, प्लस, इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, माइनस, समझना जरा ध्यान से। डिक्रीज होने के सर दो रीजन होते थे, डिक्रीज होने के दो रीजन होते थे, एक होती थी सेल, दूसरी होती थी डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन। सर अगर सेल है तो जाता था इन्वेस्टिंग, अगर इंक्रीज है तो भी जाती थी इन्वेस्टिंग असेट्स, बट सर अगर डेप्रिसिएशन होता था या एमोर्टाइजेशन होता था तो सर ये तो पीएनएल में जाता था, और पीएनएल कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग के अंदर। फिर मैंने कहा था अगर आपको इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास एक इनटेंजिबल असेट्स है पेटेंट्स,
जो कम हो रही है, 5,000 से कम हो रही है, यानी कम होगी 5,000 से, बट ये नहीं पता सर ये डेप्रिसिएशन है या सेल है। फिर मैंने कहा था आपकी सीबीएसई हमेशा और आईएससी बोर्ड हमेशा क्या मानता है, कुछ ना लिखा हो तो हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन मानते हैं। तो फाइनली जिन बच्चों का ऑपरेटिंग का आंसर आया था वो बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा पुरानी बातें धीरे धीरे करके बीच में आएंगी, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो सर यहाँ पे पेटेंट्स, यहाँ पे जो पेटेंट्स हैं, हम पेटेंट्स को क्या मानेंगे, हम मानेंगे पेटेंट्स में क्या हो रहा है, एमोर्टाइजेशन हो रहा है। तो 12,000, बेटा स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं 12,000 और यहां पे लिख देता हूं प्लस 5,000। तो 12,000 तो सर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था और 5,000 क्या है, पेटेंट्स के ऊपर एमोर्टाइजेशन है, याद रखना है आप। ठीक है सर, तो एक तो रेड पेन खत्म हो गया, और आगे चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है सर, इन्वेस्टिंग में जाती है। पहले जीरो थी, अब 75 हो गई। असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, माइनस। असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, माइनस। चेक करो असेट बढ़ती है तो माइनस करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इन्वेस्टिंग में। आ जाओ जाओ, ये इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में माइनस कर देते हैं हम परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा मुश्किल नहीं है चैप्टर, बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है आपको। और कितनी सी इन्वेस्टमेंट, 75,000। तो ये भी हमारा पोर्शन खत्म हो गया, वापस चलते हैं। उसके बाद है सर स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब तो कहाँ जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जाते थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आ जाओ फटाफट, 10,000 से 15,000 हो गए, असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो माइनस। 2,00,000 से 2,55,000 हो गया, फिर असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, माइनस। बस यहाँ लिख देते हैं माइनस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फिर माइनस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, मैं सारी एब्रीवेशंस यूज कर रहा हूँ, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना कितना है सर, 5,000 से ये माइनस है, और नीचे कितना है, 2,00,000 से 2,55,000 हो गया, 55,000 से ये भी माइनस है। ये लो सर, ये सारी बातें भी हमारी खत्म। अब क्या बचा सर इसके अंदर, बेटे सारे पॉइंट्स हो गए, अब हम आते हैं। बेटा ऊपर बच्चा कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सर ऊपर तो आपने डिक्रीज लिखा था। बेटा डिक्रीज ये ट्रेड पेबल लिखा था, ये लायबिलिटी है। हाँ ध्यान रखना बेटा आपने, मैं शॉर्ट एब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं। अब सर क्या रह गया, बेटा एक रह गया हमारा नोट नंबर वन, बाकी तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। नोट नंबर वन पे जरा ध्यान देखते हैं सर। नोट नंबर वन में एक लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, और आपको मैंने बताया था इसको हम एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में नहीं लिखा, इसका मतलब लेजर तो नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर तो नहीं बनेगा। बट अगर हम चलते हैं अपने फॉर्मेट पे, हाँ बेटा अगर हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट पे चलते हैं, तो एक जगह आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस, और इसी में सबसे लास्ट में माइनस में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। मुझे ये दोनों चीजें ढूंढनी है, एडजस्टमेंट तो है नहीं इसलिए लेजर नहीं बनेगा, मगर ये दोनों चीजें मुझे ढूंढनी है, आप मेरे साथ हेल्प करो जरा। ये रहा
ये रहा हमारा क्वेश्चन बेटा, अब आप मुझे हेल्प करोगे इसके अंदर। क्या कहते हो बेटा जो पिछले साल वाला है? हाँ जी, जो प्रीवियस ईयर का होता था, मैंने आपको बताया भी था, पी से प्रीवियस ईयर होता है और पी से क्या होता है? पेड। वेरी गुड ऋचा, पी से प्रीवियस ईयर और पी से पेड। बेटा रिवीजन करो विमन्यु, गलतियां हो रही हैं। हाँ, पी से प्रीवियस ईयर, पी से पापा और पापा पेड हो गए बेटा। वेरी गुड। तो सर ये जो करंट ईयर वाला होता है, ये करंट ईयर वाला, अगर सर वो पेड है तो ये क्या होगा? मेड। जैसे मर्जी याद कर लो बेटा, पी से प्रीवियस ईयर, पी से पेड माइनस, जैसे मर्जी आपको समझ आना चाहिए। और मेड हो गया ये, तो मैं भी जरा प्लस कर देता हूँ। टैक्स तो बच्चों आएगी ही आएगी, टैक्स में एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मैंने लेजर नहीं बनाया, मगर मेड और पेड आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखो मेरे साथ ऊपर मेड लिखा है, कितना है? 70,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेड है 70,000, पेड है 40,000। तो मैंने लास्ट में लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में, पेड है 40,000। लो सर ये भी सारी कहानी खत्म हो गई। अब सर लास्ट में क्या रह गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या रह गया लास्ट में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सर लाइबिलिटी 80,000 से 60,000 रह गई। 80,000 से क्या रह गई? 60,000 रह गई। शॉर्ट लाइबिलिटी होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं लाइबिलिटी। तो बच्चों फटाफट हम माइनस कर देते हैं, करंट लाइबिलिटी है ये, तो करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और कितनी माइनस करेंगे? 20,000। तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रही है बेटा लाइबिलिटी। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर इंक्रीज नहीं हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने मिस्टेक बता दी, डिक्रीज हो रही थी प्रोविजन और मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सर सारे के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, तो आपने कहा था सर कुछ नया बताओगे इस क्वेश्चन में। बेटा पेटेंट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, नया देखो अब तो बस टोटलिंग करनी है। पहली नई चीज, क्योंकि डिबेंचर्स चैप्टर अभी तक मैंने आपको कराया नहीं, डिबेंचर्स चैप्टर के अंदर जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको समझ आएगा, बट आपको अभी इतना समझ आना चाहिए। सर ये जो डिबेंचर के आगे लिखा होता है ना 12%, बेटा ध्यान से सुनो, आप नया पॉइंट बताने जा रहा हूं। जो डिबेंचर्स के आगे लिखा होता है 12%, ये पता है क्या होता है? हाँ विमन्यु ने सही बता भी दिया, कह रहे हैं सर ये इंटरेस्ट होता है। वेरी गुड ईशा, डिबेंचर के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ऑल्दो इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट कैश फ्लो में इसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। अब सर ये 12% इंटरेस्ट किस पे देंगे? 2 लाख पे या 1 लाख पे? ये क्वेश्चन आता है, 2 लाख पे देंगे या 1 लाख पे देंगे? बेटा इसके बारे में हम आपको बताएंगे चैप्टर में डिटेल में, बट मैं आपको बता दूं, कुछ स्कूल कहता है, कुछ स्कूल कहता है कि करंट ईयर पे दे देना, कुछ स्कूल वाले कहते हैं करंट ईयर पे दे देना, और कुछ स्कूल वाले कहते हैं दोनों में से जो हायर हो उस पे दे देना। मैं आपको बेटा प्रॉपर रीजन बताऊंगा कि स्कूल वाले ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। अभी हम आज की क्लास में, बिकॉज अभी ये टॉपिक मैंने कराया नहीं है, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं उनके साथ जा रहा हूँ जो कहते हैं कि सर करंट ईयर पे इंटरेस्ट देना चाहिए। तो 12%, 1 लाख का 12% कितना हुआ? जल्दी बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 लाख का 12% कितना हुआ? 12,000 हो गया। सर अब क्योंकि ये 12,000 इंटरेस्ट है, अब सर ये देखो ध्यान से देखना इंटरेस्ट। बेटा शायद ही किसी बच्चे को याद हो,
सर पहला तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहाँ आता है ऑपरेटिंग में? बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को मैंने क्या करा है, प्लस करा। प्लस कहाँ करा? ऑपरेटिंग में। कितना इंटरेस्ट आया था? 12,000। सर अब आपने इसको प्लस करा है, कहीं ना कहीं माइनस भी होना चाहिए। बेटा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं माइनस होना चाहिए। सोचो आप डिबेंचर्स कहाँ आते हैं, बेटा सोचो डिबेंचर्स कहाँ आते हैं। वेरी गुड, डिबेंचर्स आते हैं सर फाइनेंसिंग के अंदर। डिबेंचर्स आते हैं फाइनेंसिंग के अंदर, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सर जब डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में आते हैं, हाँ, तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में। अब कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, बेटा वो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है? व्हाई करंट ईयर? आपने सर करंट ईयर पे क्यों इंटरेस्ट लगाया? ये सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको डिबेंचर्स इसका आंसर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने निकालना तो सिखा दिया, और आपने ये भी सिखा दिया कि आपने प्लस करा था और माइनस करा। प्लस करा था ऑपरेटिंग में क्योंकि फॉर्मेट था, और फाइनेंसिंग में माइनस करा क्योंकि वो था। बट सर ये दो जगह क्यों आया? बेटा दो जगह इसलिए आया क्योंकि इसे बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट। बेटा ये एडजस्टमेंट होती है मगर हिडन होती है, छुपी हुई एडजस्टमेंट होती है। हर बार जब भी क्वेश्चन पढ़ो आपने ध्यान से ये हिडन एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। कुछ एडजस्टमेंट छुपी हुई होती हैं और उनको डबल इफेक्ट डालते हैं। इतनी बात मैंने आपको बता दी डिबेंचर्स के बारे में। अब सर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया खत्म, बस मेरे साथ एक बार आ जाओ। कुछ भी छूटा नहीं है, बस अब टोटल करना है। बेटा हमें कैसे पता चलेगा? बच्चे कह रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा? आपके सामने दोस्तों ये बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के आगे कभी भी कोई परसेंटेज आपको मिल जाए तो आप समझ जाना वो हिडन एडजस्टमेंट है, छुपी हुई एडजस्टमेंट है। उसको दो जगह आपने डालना ही डालना है। तो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट कहीं भी मिले आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इंटरेस्ट के बारे में। जैसे मैं आपको, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन मेरे साथ। देखो आप ये देखो दोस्तों, ये बैलेंस शीट है मगर बैलेंस शीट में कहीं भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और भी कहीं इंटरेस्ट नहीं है। इट मीन सर कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिख रहा हिडन एडजस्टमेंट। ये देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये दिख गया मुझे 12% डिबेंचर, यानी सर ये 12% क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है। और देखते हैं सर और किस, बेटे ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं करवाऊंगा, तो ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं प्रैक्टिस के अंदर। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप करोगे। वापस आ जाते हैं जरा हम अपने उसके ऊपर, हम कहाँ चल रहे थे। ये था हमारा क्वेश्चन, जहां इंटरेस्ट मिल जाए आप सब बच्चों को, आप समझ जाना वो क्या है हिडन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। एक पेटेंट्स के बारे में मैंने आपको रिवीजन कराया, एक इंटरेस्ट के बारे में बताया मैंने आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी मैंने बता दिया। टोटलिंग करनी है, दैट्स ऑल। आ जाओ बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बेटा फॉर्मेट बार बार अपने हाथ से लिखना, चार चीजें प्लस होती हैं, जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। कुछ नहीं था हमारे क्वेश्चन में, ना कोई डिविडेंड था ना कोई रिजर्व था। खत्म। टोटल बताओ 1,70,000। फिर आ गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस। हाँ बेटा ये बताता हूं मैं आपको, ये दो कॉलम्स क्यों बनाए हैं, नॉन ऑपरेटिंग प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बेटा जैसे ये इनर कॉलम में लिखना चाहिए, ये सब चीजें कहाँ लिखनी चाहिए? इनर कॉलम में।
और इनका टोटल बाहर लिखना। जैसे मैं इनका बताऊं आपको, 12 और 12,000, 24,000, 24 और 10, 34, यानी सर ये इनर कॉलम में, और इसका टोटल जब आएगा वो आएगा बाहर। तो आउटर कॉलम का फिर आपने टोटल करना है, ठीक है ना। जब भी कोई चीज मिले आपको तो इनर कॉलम में, और उसका टोटल जाएगा बाहर। हाँ जी, तो 170 और 34 कितना होता है? ये होता है 2,04,000। ये क्या है? ये है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर ये सब चीजें मैंने कहाँ लिखी? इंटरनल कॉलम। इंटरनल कॉलम का फिर टोटल करते हैं और इसको लिखते हैं बाहर। सर ये सब नेगेटिव में जा रहा है, 55,000, 20,000, 20 और 20, 40, और ये आ रहा है 95,000। मगर ये 95,000 आ रहा है नेगेटिव में। बेटा आप सबने मेरे साथ साथ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। बच्चे 99 कह रहे हैं, बेटा 99 पता नहीं कैसे कह रहे हैं, 90, ये 60 और 20, 80, 80, 95 ही आ रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, 2,04,000 माइनस 95,000, तो ये आ गया 1,09,000। 1,09,000 आ गया, और उसमें से मैंने फिर टैक्स माइनस करा, प्रोविजन फॉर टैक्स पे करा 40,000, तो ये आ गया मेरे पास 69,000। बेटा पहला आंसर मेरा आ गया ए एक्टिविटी, कैश फ्लो प्लस में आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्लो। एक एक चीज पे ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा है इसमें, फ्लो। आगे चलते हैं, ये रहा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का टोटल करते हैं जरा, 75 और 75 होते हैं माइनस में 1, तो ये आ गया 1,50,000 माइनस 58,000। बस टोटल करना है, वेरी गुड, 92,000। मगर सर ये 92,000 जो है ये नेगेटिव में आ रहा है, तो आप इसको लिखोगे फ्लो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यूज लिखा, वेरी गुड खुशी। फिर हम लास्ट में आ गए, ये वाला सर ये आ रहा है 88,000। बेटा 88,000 आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, यानी यहां भी क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस अब प्लस करना है, जरा करें एक बारी प्लस, मुझे लग नहीं रहा आंसर सही आ रहा है। बेटा ये प्लस में है 88,000। बच्चे कह रहे हैं सर सही आ रहा है, आप घबराओ मत, प्लस में आ रहा है 88, ये माइनस में आ रहा है 92,000। और पीछे देखते हैं, पीछे आ रहा था प्लस में 69,000, तो फाइनली 65,000 हमारा प्लस में आ गया। और अगर आप तीनों का टैली करोगे तो तीनों का आंसर आपको मैंने पहले ही बताया था 65,000 आना चाहिए। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर आपको बहुत अच्छी तरह कैश फ्लो आता है, और आप ही हमारा पेपर देने चलना। थैंक यू सो मच बेटा, मैं ही दूंगा आप सब बच्चों का पेपर, आप तो बस क्लासेस अटेंड करते रहो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सही जगह ट्यूशन लगा रखी है। बेटा पेपर में आप भी जहां मर्जी से स्टार्ट करो, लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। और बीच में छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं, जैसे आज ये इंटरेस्ट का पॉइंट समझा था, ये थोड़ी बहुत पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। बेटा मैं आज की क्लास के आपको एक तो नोट्स भेज दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, प्लस एक और वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो आपकी उससे प्रैक्टिस और हो जाएगी। हमारी बस एक लास्ट एडजस्टमेंट बची है और चैप्टर हमारा ये खत्म हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करो, कुछ बच्चों के डाउट्स भी मेरे पास आ रहे थे, एक क्लास में उन्हीं डाउट सेशन पे निकाल दूंगा पूरी। तो आपके पास अगर और भी कोई डाउट्स हो तो आप डाउट्स मेरे साथ जरूर शेयर करो, और हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
टिल द टाइम टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, डाउट्स निकलेंगे देन वी विल डिस्कस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज की क्लास के लिए.